हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पुलिस ने अब तक 200 वाहनों के काटे चालान, 10 लोगों को 151 में किया गिरफ्तार। लॉकडाउन होने के बावजूद लोगों का बिना जरूरी काम सड़कों पर घूमना लगातार जारी है। पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए अब तक 200 वाहनों का चालान काटकर दुपहिया वाहन थाने में रखवाए। सीआई रविंद्र सिंह खींची ने बताया कि लॉकडाउन को प्रभावी बनाने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। प्रमुख चौराहों समेत बाजारों में जगह जगह पुलिस कर्मी तैनात है, इसके बावजूद लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। उनके खिलाफ पुलिस लगातार कार्यवाही की जा रही है। सीआई रविंद्र सिंह खींची ने बताया, अब तक कानून की पालना नहीं करने वाले के खिलाफ ठोस कार्रवाई जारी है। 10 लोगों को 151 में गिरफ्तार भी किया है एवं लोगों से अपील की है, आपकी सुरक्षा के लिए हम लोग सड़कों पर खड़े हैं, आप हमारे सहयोग करें एवं बिना वजह घर से बाहर नहीं निकले, मजबूरी में आपके खिलाफ हमको कार्यवाही करनी पड़ रही है, आदेशों की पालना करें, आगे भी कार्यवाही जारी रहेगी। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए सीआई रविंद्र सिंह खींची सुमेरपुर, इन्होंने ये कहा, दिन प्रतिदिन कार्रवाई जारी है, लोगों को समझाइश भी की जा रही है, उसके बाद भी जो उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। क्या लोगों को क्या अपील करूंगे सर? को लोगों को यही अपील करना चाहता हूं मैं कि घरों से बाहर नहीं निकलें, हम उनकी सुरक्षा के लिए रोडों पर खड़े हैं, उनसे निवेदन है कि घर पर ही रह रहे हैं, समय समय पर हाथ धोएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, वे सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। सुमेरपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।